दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चौरैया साग। चौरैया साग देखिए, ये देखिए मैंने लिया हुआ है, इसको मैंने साफ करके धो करके ले लिया है। ये चौरैया साग है, देखिए ये बाजार का है, अपने घर का नहीं है, घर के खेत का नहीं है, ये बाजार में है ये चौरैया साग। ओके, बहुत ग्रीन ग्रीन है तो मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं क्या क्या दी हूँ देखिए, एक तो ये सेम दी हूँ, ये है कद्दू, आलू, गाजर, बैगन, इतना इंग्रेडिएंट्स मैं बना रही हूँ। और इधर बड़ी मेरा गरम किया हुआ है, बड़ी, ये देखिए ये बड़ी है, थोड़ा सा मैं बड़ी भी दे रही हूँ। तो अब मैं इसको बनाने के लिए पहले गैस को ऑन करना पड़ेगा। गैस को ऑन कर लिया मैंने, स्टील को मैं बड़ी को मैं इसमें डाल रही हूँ। तेल में तला था, इसी को मैं दे दिया और थोड़ा सा भी दे दिया, अभी आ रही हूँ तो दे रही हूँ। देखिए आलू गाजर दे दिया मैंने और ये पाँचफोड़न का मैंने दे दिया है। गैस वो कैमरे को ऑन करने भूल गई थी मैं, ये पाँचफोड़न था मेरा, ये मैंने दिया है। सारे सब्जियों को देख करके मैं तल लूंगी पहले। इसको छिलका सही मैंने किया है क्योंकि ये पीला वाला है, बैगन कभी नहीं दिया बाद में। ये है गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, हल्दी पाउडर, और ये जाएगा नमक। थोड़ा सा फ्राई हो गया इसके बाद में, ये देखिए हरी मिर्च दे रही हूँ, एक दो तोड़ करके दे रही हूँ, तीन, और ये चार हरी मिर्च दे रही हूँ, लाल मिर्च नहीं दे रही। सब कवर कर दूंगी, थोड़ा सा पानी निकालने दीजिए फिर मैं आ रही हूँ।
मेरे लिए थोड़ा सा पानी में दे रही टेस्ट के लिए, तो टेस्ट थोड़ा अच्छा, और इसको मैं चूर करके दे दूँगी। पानी नहीं निकला है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी दूँगी। पानी दे रही हूँ मैं, ये बाउल में देखो अब इसमें थोड़ा सा मैं मिठाई, ये मीठा गुड़ दूंगी, ये देखिए गुड़ है, ये गुड़ को दे दूंगी। और ये पता सभी रखा था वैसे ही, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हर लाल मिर्च, लाल मिर्च नहीं दूंगी क्योंकि तीखा हो जाएगा ज़्यादा ही कुछ। ठीक है, तो अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए ये इसको इस तरह से चूर चूर करके दे देंगे। मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब मैं आ रही हूँ। चाय रही है सबकी सब्जी।